हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज़ क्लास वी आर गोइंग टू नाइन्थ स्टैंडर्ड पॉलिटिकल साइंस। हम देख रहे हैं यहाँ पे हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं और इसके पहले के फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर्स भी अपलोडेड हैं, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट। हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर देखेंगे और आपके हर एक सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ बने हुए हैं, प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए गए हैं शॉर्ट में होते हैं, टेक्स्ट बुक में आपके ज़्यादा रहता है, लेंदी रहता है, तो यहाँ पे शॉर्ट में रहता है। कई बार हमारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से भी मिल जाते हैं, जो ओरल वाले क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे कमेंट भी आते हैं कि आप इसे भी शो किया कीजिए, इम्पॉर्टेंट रहता है, इसीलिए मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ। आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। सारे क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पे गिवन है। सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बाकी का यहाँ पे, और उसके आंसर्स नीचे गिवन है। यहाँ पे आपको रीज़न बताना है, अगर ट्रू है तो भी रीज़न बताना है, फॉल्स है तो भी रीज़न बताना है। सारे ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यूनिसेफ, यूनेस्को, ये सारे, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो भी होते हैं, अब इसमें क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड होता है जो कि यूनिसेफ क्या करता है, एफिलिएट करता है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का। तो ये वर्क करता है किसके लिए, न्यूट्रिशियस फूड एंड हेल्थ केयर अवेलेबल टू चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए। कई सारे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इंडिया में भी, सो टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करने के लिए, मेजर टू ओवरकम माल न्यूट्रिशन अमंग बीबीज एंड चिल्ड्रन, कैसे इस पर ओवरकम किया जाए, कैसे उस पर ख़त्म किया जाए। यूनेस्को क्या करता है, यूनेस्को मीन्स यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को, हमें पता है बहुत सारे हमारे ऐसे साइट्स हैं, बहुत साइट्स मीन्स कि बहुत सारे ऐसे हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो यूनेस्को के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, मेंबर कंट्रीज इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन साइंस एंड कल्चर के लिए धरोहर जो होते हैं हमारे, उनकी फील्ड में ये काम करता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या होता है, तो ये होता है मीन्स इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड एन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आर द हॉग इन द नीदरलैंड्स में है, और इट हैज़ द ज्यूरिसडिक्शन टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स फॉर इंटरनेशनल क्राइम्स ऑफ जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड वॉर क्राइम्स दैट आर द ऑफ कंसर्न ऑफ द इंटरनेशनल कमिटी। ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये काम किया जाता है कि जैसे अगर किसी ने किया है कि स्पेशली जेनोसाइड, यानी कि जैसे कि नरसंहार, बहुत सारे लोगों को साथ में मारा है,
क्राइम किया है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या वॉर क्राइम में कुछ अगर किया है, तो इन सारे कंसर्न को कौन देखता है? इंटरनेशनल, ये पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी के को कौन देखता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो कि ये दिया गया है यहाँ पे, इसका हॉज में नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं यूनाइटेड नेशंस पे, देखिए पीस कीपिंग फोर्सेस पॉइंट्स यहाँ पे देखिए 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। ये क्वेश्चन का आंसर ये पूरा देखे दिया गया है, डू एज डायरेक्टेड। ये जो है ये आपका क्वेश्चन है, ये यहाँ पे आंसर है। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5।